हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं मैक्सिमा और मिनिमा जो कि हमारा कल जो रह गया था थोड़ा सा उसको कंप्लीट करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल से आगे का। तो दोस्तों उसके बाद में जो हमारा एक टर्म आता है मैक्सिमा मिनिमा में ट्रिग्नोमेट्री में, वो आता है जैसे हमारे दे दिया 2 की पावर sin एन थीटा और कोस की पावर 2m θ इक्वल्स टू, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फिर कैसे करते हैं हम दोस्तों? इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होगी, ऑलवेज, हमेशा बिना सोचे समझे। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाए कि साइन की पावर 2θ और साइन क्यूब स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आपको मिल जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1। और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं थीटा इक्वल्स टू 45 पुट करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब थीटा इक्वल्स टू 45 हम पुट कर देते हैं तो इसमें हमारी मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन हुआ साइन की पावर 4θ प्लस कोस की पावर 4θ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू तो दोस्तों इसकी क्या होगी? 1। और मिनिमम वैल्यू के लिए हम थीटा इक्वल्स टू 45 पुट करेंगे फॉर फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 की पावर 4। इसी तरीके से ये 1/√2 कोस 45 और साइन 45 का मान हमारा सेम होता है, साइन 45 इक्वल्स टू कोस 45 इक्वल्स टू 1/√2। तो यहाँ से कितना आएगा? ये भाई √2 और √2 कितना हुआ? ये 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो कितना बना? तो 1/4 + 1/4। तो दोस्तों कितना आया इसका? ये 2/4, तो यानी कि 1/2। 1/2 जो है इसकी है हमारी मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, मैक्सिमम हमारी ऑलवेज इस केस में ये रहेगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों इसी का ही जैसे आपको दे दिया जाए कि साइन की पावर 6θ कोस की पावर 6θ, इसकी आपको दोनों वैल्यू मैक्सिमम भी और मिनिमम भी आपको फाइंड करनी है, तो कितनी होगी? वही मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी कितनी होगी? 1, बिना सोचे समझे। और मिनिमम के लिए हम करेंगे थीटा इक्वल्स टू 45 पुट, तो यानी कि 1/√2 की पावर 6 1/√2 की पावर 6। तो ये कितना आएगा भाई? 6 पावर थी पहले हमारी, 4 थी, तो कितना बना था हमारा? तो ये बनेगा 1/8 + 1/8, तो 2/8, तो आंसर हमारा 1/4। ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों में बिना सोचे समझे मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 होती है। दोस्तों अब चलते हम नेक्स्ट टाइप पर, जो कि आपको क्वेश्चन देगा किस फॉर्म में, जैसे आपको क्वेश्चन दिया इसने इस फॉर्म में, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो हमें इसकी क्या बतानी है? वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब दोस्तों इसको कैसे करते हैं? अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी अंडर रूट, ये कोफिशेंट जो है a² + b² ये इन कोफिशेंटों का स्क्वायर, और ये प्लस की होती है मैक्सिमम वैल्यू।
और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हमारी माइनस की आती है, वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन दे दिया 4 sin theta + 3 cos theta, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। तो मैक्सिमम क्या होगी, प्लस का अंडर रूट 4 × 16, 3 × 3 = 9, तो प्लस अंडर रूट 25। तो कितनी आई मैक्सिमम वैल्यू, प्लस 5। मिनिमम माइनस के 16 + 9, तो माइनस 25। तो मिनिमम कितनी आई, माइनस 5। तो यही हमारा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जैसे 16 की पावर sin theta और 8 की पावर cos theta, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। अब इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बेस इसका सेम बना देते हैं, तो यानी कि 2 की पावर 4 की पावर sin theta, 2 की पावर 3 की पावर cos theta। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसको 2 की पावर बेस हमने सेम बना लिया, तो 2 की पावर 4 की जो गुना होगी वो साइन थीटा में हो जाएगी, ऐसे ही 2 3 cos theta। अब बेस सेम है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 4 sin theta + 3 cos theta। अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये आया हमारा ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम मिनिमम, वही 2 की पावर √±4² + 3² तो यानी कि प्लस माइनस कितना आया, 25। तो 2 की पावर + −4, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आई हमारी 2 की पावर + 5, और मिनिमम वैल्यू जो आई वो कितनी है, 2 की पावर −5। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आई हमारी, मिनिमम वैल्यू भी, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हमारा सेम होता है। तो इसी तरीके से ये दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं। अब जैसे आपको ये अलग है, ये हमारा अलग है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक है हमारा 5 7 8 6 नंबर और दूसरा है हमारा 5 8 0 2। तो इसको इसमें क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों इसमें क्या ऐड करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 का डिफरेंस जो कि डिफरेंस आएगा √2² नहीं, इसका डिफरेंस कितना हमारा 16, डिफरेंस हमारा इसका है 16, तो 16 का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर, तो 16 का हाफ कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, तो आंसर 64। इसमें हमें इस संख्या में ऐड कितना करना पड़ेगा, 64, तभी ये हमारा स्क्वायर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों बाय बाय।